नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज की तस्वीर कम से कम एक पहलू पर बहुत इंतजार कराने वाले सवालों के साथ खड़ी कर रही है कि क्या अखिलेश यादव अब एकला चलो की नीति पे चल रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव अब को उनको पता है कि वो चेहरा सिर्फ ऐसे हैं जो जनता के बीच पहुंचे सपा के को रिप्रेजेंट करते हुए। ऐसे में उन्होंने कई योजनाएं भी चलाई, उसमें भी अपने चेहरे को ही सामने रखा। हालांकि विपक्ष इसको लेकर लामबंद है कि आप राशन कार्ड बांट रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे की जरूरत क्या थी। तमाम तर्क अलग अलग हो सकते हैं, पहलू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन पहलुओं को समझने की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि एक यात्रा खुद अखिलेश यादव निकालेंगे, लेकिन उस यात्रा में सपा के दूसरे कोई बड़े चेहरे की मौजूदगी को लेकर अभी तक कोई भी बात नहीं की गई है। और वहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पूरे के पूरे काफिले का अकेला नियंत्रण करेंगे और लोगों से पहुंचकर अपने यात्रा में अपने संदेश को पहुंचाएंगे। और इसी पर सवाल है कि क्या सब कुछ फिर ठीक ठाक दिख रहा है, या दिखाने की ये कोशिश जो चल रही थी उस पर फिर से कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया है कि 3 नवंबर से वो पूरे प्रदेश में रथ यात्रा पर निकलेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अकेले ही चुनाव प्रचार में जाने की तैयारी कर ली है। सीएम अखिलेश यादव ने युवाओं की टीम और संगठन को चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपने साथ जोड़ा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। इस बार ये विवाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड बांटने की शुरुआत की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस योजना के पहले चरण में 100 गरीब परिवारों को राशन कार्ड अपने आवास पर वितरित किए, लेकिन इस मामले में तब तूल पकड़ा जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो राशन कार्ड पर देखी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार यूपी के 3 करोड़ से ज्यादा घरों में लोगों को राशन कार्ड मुहैया किए जाएंगे। हालांकि राशन कार्ड और उनके झोले पर छपी अखिलेश यादव की फोटो को आगामी चुनाव के लिए एक बड़े दाव के तौर पर जोड़कर भी देखा जा रहा है। यहां तक कि विपक्ष ने इसे सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार बताकर मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया। लेकिन अखिलेश का कहना है कि जब उन्होंने काम किया है तो प्रचार तो करेंगे ही। तो राशन कार्ड पर अखिलेश के चेहरे को लेकर सियासत, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब खुद उस यात्रा की अगुवाई करेंगे जिसमें अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव निकलेंगे। और दिलचस्प तब और भी ये चीज़ें हो जाती हैं जब ये पता चलता है कि अखिलेश यादव के साथ और कोई चेहरा फिलहाल एसपी का नहीं सामने आ रहा है जो कम से कम इस नाम के साथ जुड़े। ये दूरी क्यों दिख रही है एसपी में, ये दूरी क्यों दिख रही है, सवाल इस पहलू को लेकर होगा। क्या एसपी की ये दूरी कहीं ना कहीं ये जता रही है कि एसपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आई कि मुलायम सिंह यादव ने भी एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में भी कई चेहरे, कई बड़े नेता, तमाम विधायक, पूर्व विधायक, सांसदों को भी बुलाया गया है, चर्चा की जाएगी। लेकिन इस कार्यक्रम में जो एसपी की रजत जयंती कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में ये खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव वहाँ नहीं पहुँचेंगे। अब नहीं पहुँचना भी दूरियों को दिखाने के लिए काफ़ी है। इससे पहले भी संशय की स्थिति थी, सवालों के लगातार वहाँ पर क्रम को हमने देखा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ये कोशिश तो कर रहे हैं बताने की कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद ठीक नहीं है। इसकी तस्वीर ज़्यादा बड़ी यानी ज़्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, और वो तस्वीर थी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के करीबियों को पार्टी से अलग किया गया। सवाल इस पर भी जुड़ा, लेकिन विपक्ष को तो मानो घर बैठे मुद्दा मिल रहा है। और विपक्ष इसी तमाम पहलुओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, सरकार से सवाल पूछती है, सरकार से ये जवाब मांगने की कोशिश करती है कि अगर आप पारिवारिक कलह से अभी तक अपने आप को नहीं निपटा पाए हैं तो फिर कैसे आप आगे प्रदेश की जनता के भरोसे पर उतरेंगे। लोगों को इस बात की भी शिकायत हो सकती है कि एम्बुलेंस पे 108 समाजवादी कैसे शब्द आ गया, बैग पे फोटो कैसे आ गई, राशन कार्ड पे फोटो कैसे आ गई। कम से कम जो योजना लागू कर रहे हैं, अगर हम गरीबों को कुछ मदद करना चाहते हैं तो कम से कम हमारी सरकार का प्रचार तो हो, हमारी तरफ से संदेश तो जाए उनको। इसलिए लोकतंत्र में ये जरूरी है
काम के साथ साथ लोग जाने आखिरकार कौन कर रहा है। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव ने ये जरूर कहा है, राशन कार्ड पर सवाल जब उठाए गए कि राशन कार्ड पर अखिलेश यादव की ही तस्वीर क्यों है, तो अखिलेश यादव ने ये बात जरूर साफ करते हुए कहा कि भाई काम अगर हमने किया है, योजनाओं को हम लेकर आए हैं, तो जन जन तक हम इसे क्यों ना पहुंचाएं। हमारे साथ एक मेहमान का पैनल भी जुड़ेगा, उस पैनल से हम और भी मेहमानों से आपको हम आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको मिलवाते हैं आईपी सिंह साहब से जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कृष्णकांत पांडे कांग्रेस की तरफ से, केसी जैन साहब एसपी की तरफ से और एपी ओझा सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे, लेकिन अभी आईपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। आईपी सिंह साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, अखिलेश यादव ने जो बातें कही जी, धन्यवाद, वो बात बहुत क्लियर है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार ने काम किया है तो इसको जनता तक पहुंचाने में दिक्कत क्या है, इससे आपको क्या परेशानी है। अगर योजनाओं के प्रचार की बात होती है तो आप भी तो अपने उस सीएम फेस को पीएम फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे दिक्कत क्या आपको। देखिए, भारत सरकार की 67 से ज़्यादा योजनाएं जो चल रही हैं राज्यों में, उसमें ये सब योजनाएं भारत सरकार की हैं। और जिस एम्बुलेंस सेवा की बात कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री से मैंने दैनिक जागरण का कॉन्क्लेव था, उसमें मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और उनसे मैंने बड़े साफ तौर से ये प्रश्न पूछा था, जो क्वेश्चन आवर था उसमें पूछा हमने कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए कि 108 जो चला रहे हैं उसमें राज्यांश कितना है। मुख्यमंत्री खामोशी से उस बात को तो सुन गए, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसमें भारत सरकार का 90% से ज़्यादा पैसे लगे हैं, 92% के आसपास, और 8% राज्य सरकार का। और आप जो एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में देखेंगे उसमें चारों तरफ ये लगता है कि लोहिया और समाजवाद और समाजवादी, तो इस ये घोर आपत्तिजनक बात है कि जो योजनाएं भारत सरकार की हैं, जो उसमें राज्यांश नाम मात्र का है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये, या जो राशन वितरण का काम जो पीडीएस के माध्यम से वितरण का काम होता है, ये सारे अभी श्री रामविलास पासवान जी ने कहा कि ये सब खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार करती है। आप बांटिए, निश्चित तौर पर बांटिए, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में था, गोपालपुर विधानसभा है आजमगढ़ के अंदर, दूर दराज गांव में था, खाट जो खटिया है बोलते हैं पूर्वांचल में, मैं उस पर बैठ के बात कर रहा था लोगों से, एक भी योजना गांव में इनकी नहीं पहुंच पाई। हो सकता है कि सफई या कन्नौज या रामपुर जो मियां आजम खान का विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आप चाहेंगे कि हर बात रखिए जिस पे आप काउंटर कर सकें, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है, परेशानी मेरे ओर से ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके इल्ज़ामों का जवाब एसपी ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाए, मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा, वो अगर रहे तो ये सवाल उठाऊँगा, लेकिन इस पॉइंट पर मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, एक सवाल और इस पर ऐड ऑन करूँगा। अखिलेश यादव अपने कामों को लेकर तरजीह दे रहे हैं जी, लेकिन इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव 3 नवंबर से जो है यात्रा निकालेंगे, उस यात्रा में अकेले होंगे, बीजेपी इसे किस एंगल से देख रही है। और देखिए, ऐसा है कि आपकी बात जो आई थी, इसलिए मैंने रोहित जी उस प्रश्नों का मैं जवाब देने लगा, लेकिन आज सबसे हॉटेस्ट जो मैटर है वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का फैसला है, वो फैसला कहीं ना कहीं अपने पिता को चुनौती है, अपने पिता से दो दो हाथ करने का मामला है, ये जो बगावत है वो पिता के खिलाफ है, ये पिता पुत्र के बीच की लड़ाई है। और उसमें अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं कि जो जनादेश समाजवादी पार्टी को अस्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ वो हमारे वजह से मिला। और उस परिवार में एक अहम बात हो जाती है रोहित जी की, 2008 से पहले समाजवादी पार्टी में साधना गुप्ता यादव जो उनकी सौतेली माँ है, मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ, उनको कोई जानता नहीं था, न राजनीतिक रूप से जानते थे, परिवार में दबे छुपे उनके सौतेले भाई और माँ की बात तो आती थी, लेकिन कभी उनका जिक्र नहीं था। और इस समय खनन का जो अवैध कारोबार था उत्तर प्रदेश में, वो 1 लाख
35,000 करोड़ का था और गायत्री प्रसाद प्रजापति इसी बीपीएल कार्ड होल्डर जैसा व्यक्ति था। आज वो मेरे पास 9,763 करोड़ की फाइल तो मेरे पास उसकी है, वो हजारों हजार करोड़ रुपए उसने कमाया, लेकिन अपनी कमाई का 90% वो साधना गुप्ता के खाते में देता था। और यही एकमात्र कारण था कि जब अखिलेश जी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, उस कार्रवाई का ही रिपरकशन था गायत्री प्रसाद प्रजापति को हटाना, शिवपाल को पीडब्ल्यूडी से हटा देना, और दीपक सिंगल जो भ्रष्टतम आईएएस एसोसिएशन है उसने टॉप 3 मोस्ट करप्ट आईएएस के जो चुनाव किया था उसमें दीपक सिंगल एक नंबर पे था। तो नवनीत सहगल, दीपक सिंगल, ये तमाम भ्रष्ट जो एनआरएचएम का मोस्ट वांटेड आदमी हो नवनीत सहगल, ऐसे तमाम अफसरों को माला पहनाने का काम जो समाजवादी पार्टी ने किया है, निश्चित तौर पर ये परिवार का विवाद, ये पिता पुत्र का विवाद था, लेकिन उसको तो आपको, आपको चाचा से जोड़ा आपको गया, तो आपको तो फिलहाल कम से कम आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा कि आपके पास एक मुद्दा आ गया है कि फिर से आप काउंटर कर सकें। नहीं नहीं रोहित जी, कोई भी अगर जैसे हम विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की उसकी सरकार थी, हम उस वक्त कमजोर थे, लेकिन 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो परिणाम हमारे पक्ष में आया, समाजवादी पार्टी कमजोर हुई। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का इंटैक्ट रहना, समाजवादी पार्टी का चलना, और लोकतांत्रिक रूप से समाजवादी पार्टी उधर आगे बढ़ती है। अगर कांग्रेस और जो दौलत की बेटी मायावती की पार्टी जो मानवर काशीराम की हत्यारा है उसके तुलना में अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो लोकतांत्रिक पार्टी है। इसलिए किसी भी परिवार में कोई भी विवाद रोहित जी होता है तो उस परिवार का आंतरिक मामला हो सकता है, समाजवादी पार्टी का कमजोर होना। नहीं, तो ऐसा ऐसा कौन सा मौका, सिंह साहब बीजेपी ने ऐसा कौन सा मौका छोड़ दिया कि अगर वो आंतरिक कलह थी तो उसको सार्वजनिक मंच पर आपने मंथन ना किया हो? स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल हैं, और जो भी देखिए इस विवाद का बड़ा असर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर पड़ा है, इस विवाद का बहुत असर देखा जाए यहाँ के विकास। मेरा सवाल तो फिर वही था ना सिंह साहब, बिजली, मैं तो यही बोल भी रहा था, और यानी स्वाभाविक तौर पर इसका राजनीतिक लाभ तो आपको मिलता दिख रहा है, इसलिए आप इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। देखिए सिर्फ हम गर्व नहीं रखना चाहते, अगर समाजवादी पार्टी ये फैसला मिल बैठ के करती, मिल बैठ के कोई फैसला करती तो स्वाभाविक रूप से वो फैसला उनका होता, लेकिन जब कभी भी कहते हैं ना कि घर की बात जब बाहर चली जाती है तो वो दूर तक पहुंचती है, और निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी आज की रूलिंग पार्टी नहीं होती तो शायद इतना चर्चा समाजवादी पार्टी के विघटन या उस परिवार के विवाद पर हम आप बैठकर स्टूडियो में डिस्कस नहीं करते। क्योंकि चुनावी वर्ष है, 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी का जो घमासान मचा है वो उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी आप बिखराव की स्थिति देख रहे हैं, यानी बीजेपी बिखराव की स्थिति देख रही है उधर। अब देखिए ये बिखराव की स्थिति नहीं देख रहे हैं, ये वर्टिकल डिवीजन की तरफ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ चुकी है। निश्चित तौर पर या तो पिता को झुक जाना चाहिए, अगर पिता ने ये फैसला लिया, और मुलायम सिंह ने बहुत ही स्मूथली अपनी पावर को जिस तरह अखिलेश जी को ट्रांसफर किया था, मैं समझता हूं देश में एक इकलौती मिसाल थी। मुलायम सिंह भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु रहे हैं, लेकिन अगर वो जो चरखा दाव उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ लगाया, चंद्रशेखर जी के साथ लगाया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, और आज मेरे ख्याल से थोड़ी देर में मेरे साथ केसी जैन साहब भी जुड़ जाएंगे, बात करने का काम करते हैं आज पहली बार। हाँ, केसी जैन साहब भी पहली बार जुड़ चुके हैं, पहली बार मुलायम सिंह को अगर कहीं, ठीक है आपकी बातों को मैंने सुना, और मैं आपके तमाम सवालों को जो है जैन साहब के पास मैं लेके चलूंगा। जैन साहब स्वागत है आपका, देर हो गए सर, देर अगर हो गए हैं तो देखिए मौका तो आपने दे ही दिया फिर बीजेपी को बोलने का, और बीजेपी ने इस वक्त का भरपूर फायदा उठाया है और फायदा उठा के तमाम पॉइंट्स रखे, और हालांकि पॉइंट्स रखने में एक सच्चाई भी मुझे दिख रही थी। जैन साहब थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं, उसके बाद जैन साहब ये भी जरा बता दीजिएगा कि एकला चलो की नीति अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं, साथ नहीं मिल पा रहा क्या? देखिए रोहित जी, कि पार्टी और सरकार दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं,
और ऐसे में चूंकि 2017 में विधानसभा का चुनाव होना है और पार्टी के भी बहुत सारे काम हैं, सरकार के भी बहुत सारे काम हैं, तो उनको बांटना पड़ेगा अलग अलग स्तरों पे। तो ऐसे में कि पार्टी की मीटिंगें हैं, पार्टी का अधिवेशन था और भी तमाम सारी चीज़ें थी, सरकार की जिम्मेदारी थी वो सरकार निभा रही है। उसके बाद में 2017 का जो चुनाव है तो चुनाव की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, क्योंकि पार्टी का प्रचार प्रसार कोई नहीं हो पा रहा है अभी तक, और मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए पार्टी की छवि उससे बनी है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बन जाती है। और 2017 में हमारी सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत में आते हैं, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। इस चीज को माननीय शिवपाल जी ने भी स्वीकार किया, माननीय रामगोपाल जी ने भी स्वीकार किया और माननीय नेताजी ने उसको स्वीकार किया। ऐसे में उन्होंने अग्रसर होकर के आगे बढ़ गए, एक जिम्मेदारी ली है कि प्रचार प्रसार की। जैन साहब, इसका मतलब वो अकेले नहीं है, जैन साहब, पूरा की पूरा साहब, पूरी की पार्टी उनके साथ में। केसी जैन साहब, जरा इस बात को जरा समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये कहा गया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो है इस बात का फैसला होगा। मुलायम सिंह यादव के स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ, और उनके ये जरूर है कि विदाउट द टेबल ये जरूर बातें कहेगी कि सीएम फेस वही होगा जो है, लेकिन ये बात मैं छोड़ देता हूं, इस बात को मैं बिल्कुल दरकिनार कर, लेकिन सर इतना तो समझाइए कि अगर सीएम फेस को आपके बड़े चेहरे, बड़े जो आपके सहयोगी हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी यात्रा में, तो सवाल क्यों ना उठाएं हम, और क्यों ना विपक्ष उठाए, और क्यों ये मान ले कि हाँ सब ठीक ठाक है। नहीं नहीं, देखिए देखिए रोहित जी, एक तो मेरा नाम केसी त्यागी करवा, केसी त्यागी दिख रहा है उसको, नहीं नहीं वो ठीक हो चुका है सर, ठीक हो चुका है। थैंक यू। देखिए ऐसा है रोहित जी, जी जी थैंक यू। देखिए रोहित जी, कि जो चीज़ें दिखाई दी अब तक, तो बहुत सारी चीज़ें रहीं, मैं उसको अस्वीकार नहीं करता हूँ कि चीज़ें नहीं रहीं, बहुत सारी चीज़ें रहीं, पार्टी के अंदर की बात है और तमाम चीज़ें मीडिया में भी हैं, सार्वजनिक भी हुई, लेकिन उसके बाद में आज की स्थिति जो है, तो हमें लगता है आज स्थिति सारी की सारी सामान्य है, और सारी चीज़ें सामान्य होकर के पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। इस चीज को शिवपाल जी ने भी स्वीकार किया और कहा, तभी उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमारी पूर्ण बहुमत की आती है, पूर्ण बहुमत की सरकार, बीजेपी आपकी बातों से तो बीजेपी जो है आपकी बातों से अपने पास नहीं रख रही है। बीजेपी कह रही है कि धड़ा अलग हो चुका है और अब पावर वॉर चल रहा है, पावर वॉर चल रहा है, पावर वॉर, ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हमारा कद क्या है। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं रोहित जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में क्या किया, वो मांझी को अलग लेकर के किस तरीके से गए, और उसके बाद में उत्तराखंड में उन्होंने किस तरीके से पार्टी को तोड़ा, कांग्रेस को वहां पे तोड़ा, बिहार में नीतीश को तोड़ा, तो ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और वो पार्टियों के अंदर अंतर्कलह करा रही है, तो उसको तो ये दिखाई देगा उसको, उनके लिए तो आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में अंतर्कलह बीजेपी करा रही है। मैं आपके इस स्टेटमेंट को समझना चाहता हूं, आपने ये जो तर्क दिया बिहार से जोड़ते हुए उत्तराखंड तक पहुंच गए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी पार्टी में तोड़जोड़ करा रही है? नहीं नहीं, बीजेपी को ये दिखाई दे रहा है कि दो धड़े बट गए हैं और इसका वो लाभ उठाना चाहते हैं और वो इस तलाश में रहते हैं कि किस तरीके से रजत जयंती समारोह आपका होने जा रहा है, वहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंचेंगे, किस तरीके से उन्होंने अलग किया और उनको उनको ऑफर भी दिया कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, उनको ऑफर भी दिया मांझी को, आईपी सिंह साहब जवाब दीजिए, उत्तराखंड में किया, लेकिन उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी ये कुछ कर नहीं पाए, उनकी सरकार को हिला नहीं पाए कांग्रेस को, और कांग्रेस के लीडर टूट करके भारतीय जनता पार्टी में गए और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की एक बड़ी लीडर। चुनौती आपके लिए है फिर जैन साहब, समझिए इस बात को, अगर बीजेपी स्ट्रेटेजी से काम करती है तो ये बिखराव की स्थिति पर बीजेपी और पॉजिटिव हो जाएगी, फिर संभालिए इसे आईपी सिंह साहब। नहीं, हमारे यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये ताक झाक कर रहे हैं इस अवसर में कि कुछ हो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं ना, कुछ है गड़बड़, सब कुछ सामान्य है और ये ताक झाक साहब रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, मेरे पास और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, ठीक है, मैं और मेहमान को जा रहा हूं, कृष्णकांत पांडे जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, मिलने वाला नहीं, ओझा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, देर से आए सर, पहले तो स्वागत है दोनों का, सिंह साहब मैं मौका दे रहा था सर, जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए।
ये देखिए ऐसा है कि सोशल साइट बहुत मजबूत हो चुका है, उस पर इस प्रकार की चर्चा आई है, लेकिन पहली बार किसी स्टूडियो में मैंने ये बात कहा, मैं सुना कि अखिलेश को बीजेपी ऑफर क्यों ऐसा करेंगे। हम नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी टूटे, हमने आपके शो में अभी कहा कि समाजवादी पार्टी का मजबूत रहना उत्तर प्रदेश की सेहत, राजनीतिक सेहत के लिए अति आवश्यक है। हमारे विचार पहले आ चुके हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहती, और किसी प्रकार का कमजोर करने में अगर एक बार भी सिद्ध हो जाएगी, एक बार भी सिद्ध हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं रोहित जी कि हमारे जैसे लोग राजनीति बंद कर देंगे। ठीक है कृष्णकांत पांडे, ये इस प्रकार के मिथ्या आरोप नहीं लगा। क्या आपको क्या नजर आ रहा है? एसपी में क्या चल रहा है? एसपी में क्या चल रहा है? अखिलेश यादव एकला चलो की नीति पे कार्य कर रहे हैं, अकेले निकाल रहे हैं रैली। आईपी हमारे 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 भाजपा के साथी आईपी सिंह जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी हो चाहे न जरूरी हो समाजवादी पार्टी की सरकार या उस पार्टी का कम से कम मजबूत रहना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अवश्य सपा का मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी तो यह हिंदू वोट बैंक को ब्लैकमेल करने की राजनीति जारी रखेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में मजबूत होना इनके लिए बहुत आवश्यक है, प्रदेश के लिए आवश्यक हो चाहे न हो। दूसरी बात, आपने पूछा समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। समाजवादी पार्टी में अब अपनी बात, अब चूंकि घर की बात सड़क पे आ चुकी है, काफी दिनों से चल रहा है, अब कोई नई बात नहीं है। अब अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव जी, या एकदम शुद्ध रूप से मुलायम सिंह यादव जी को खुली चुनौती है, शिवपाल यादव जी को खुली चुनौती है, और जो लोग मुलायम सिंह जी और जो लोग मुलायम सिंह जी और बीजेपी अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, चूंकि मुलायम सिंह जी को अब अखिलेश यादव जी को सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी अब विपक्ष की पार्टी बन के रह जाएगी, चाहे जय नंबर की पार्टी बने, तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि उनके घर का विवाद सड़क पे आ चुका है, तो जब सड़क पे आ चुका है तो अब रथ यात्रा अकेले निकालने का उनका मकसद है कि उनके परिवार में एकता नहीं है, तो रथ यात्रा निकाल के कम से कम वो अपने को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि आने वाले दिन में अगर उनको समाजवादी पार्टी से अलग होके एक नया दल भी बनाना पड़े, अच्छा, तो कम से कम मतलब ये प्लानिंग आपने सबसे ज्यादा महसूस कर ली, छवि रख सके। देखिए जैन साहब, कांग्रेस को लग रहा है कि अलग दल बनाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। सुन लीजिए जैन साहब, और आप कह रहे हैं बिखराव नहीं है, इतनी बात दूर तक पहुंच गई, इतनी दूर दूर से चर्चाएं हो रही है कि अलग दल की बात हो रही है, और आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। रोहित जी देखिए, ये स्टेटमेंट मेरे सामने पहले किसी भी पार्टी से और किसी भी व्यक्ति का पहला स्टेटमेंट इस तरह से आया है मेरी जानकारी में कि अलग अलग थलग इस तरीके से। पूछिए ना कांग्रेस से, पूछिए ना। लेकिन आप ये कांग्रेस से पूछिए ना, कहां से उनको ये जानकारी मिली। 2012 मैं बता रहा हूं आपको रोहित जी कि 2012 का जो क्रांति रथ लेकर के निकले थे माननीय अखिलेश यादव जी, अकेले लेके निकले थे उस रथ पे, माननीय शिवपाल जी नहीं सवार थे। अरे छोड़िए सर, माननीय नेता जी नहीं सवार। सवाल तो कांग्रेस ने उठाया ना, पूछिए कि उनके पास कहां से आ रही है खबरें। ऐसे में जैसे आपके पास खबरें आ गई ना, जैसे आपके पास खबरें आ गई कि अखिलेश यादव को बीजेपी ने ऑफर भी किया, कांग्रेस के पास ये खबरें आई है, पूछिए तो सही, क्या कांग्रेस से सवाल करने में आपको कोई ऐतराज है क्या? नहीं नहीं, हमने हमने ये नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि ऑफर आया कहीं पे, कुछ ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग ताक जाक कर रहे हैं, इस जुगाड़ में है कि क्या क्या टूट फूट है। जो टूट फूट नहीं, वो जनता के बीच में एक तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता के बीच में एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि ऐसी स्थितियां हैं, जबकि ऐसी स्थितियां नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये था, और जो कांग्रेस के साथी ने बताया कि ऐसी हो सकती है, तो भाई उनके अंदर उनकी पार्टियां, उनकी दो सवाल में पूछ रहे हैं, खंडों में बटी, पहला सवाल कई खंडों में उनके पार्टी के लोग बटे, इसलिए उनको ऐसा लगता है। लेकिन अखिलेश यादव अगर अकेले यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो रहा था, क्या आज के माहौल में जो आज की तस्वीरें थी उस माहौल में ये सवाल बुनियादी तौर पर नहीं पूछा जाएगा कि क्या सब ठीक ठाक है, या फिर पावर को दिखाने की कोशिश नहीं चल रही है? देखिए, आपने जो दोनों सवाल पूछे हैं उनमें दोनों का हमारा एक पॉजिटिव आंसर है, और पॉजिटिव आंसर ये है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जो चीजें दिखाई जा रही ऐसा है नहीं, जो हम देख रहे हैं और जो इस देश की प्रदेश की जनता देख रही, उसमें बहुत अस्पष्ट ये दिखाई पड़ रहा है कि
किस तरह से पावर स्ट्रगल चल रही है और अपने आप को एक दूसरे से शक्तिशाली दिखाने की भी कोशिश हो रही है। और आप थोड़ा सा इसमें पीछे जाएं तो इसके मूल में क्या है जो शुरू से हुआ है 2012 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो जो पार्टी परिवार और सरकार का एक घालमेल है जो दोनों में एक अस्पष्टता नहीं थी, जो घालमेल था ये उसी का परिणाम है। और ये आप तीनों स्तर पे देख सकते हैं, चाहे पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे परिवार के एक व्यक्ति से मंत्रिमंडल का लेना या देना हो, और या इस बात को लेकर के हो कि अब हम अकेले चलेंगे। आज अकेले चलने की अगर जरूरत पड़ी है या आज राशन कार्ड पे अपनी अकेले की फोटो छापने की जरूरत पड़ी है तो 2012 में लैपटॉप पे नेताजी की फोटो क्यों थी? बहुत अच्छा सवाल है, तो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। पार्टियों का जैन साहब जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल ओझा साहब ने उठाया है। आपने लैपटॉप पे तो दो चेहरे दिखाए थे, वो दूसरा चेहरा गायब क्यों कर दिया राशन कार्ड से? नेताजी की तस्वीर गायब क्यों? नहीं, देखिए रोहित जी कि नेताजी हमारे पार्टी के मुखिया हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनसे कोई भी अलग नहीं है। उनसे ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे उनको वो उनकी बात कहीं नहीं मानी जा रही है या उनकी चीज जो चीजें हैं उनके संज्ञान में नहीं है। ये जो निर्णय लिया गया है ये बाकायदा सोच समझ के लिया गया है और जो काम किया है मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी थे, तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए काम उन्होंने किया है, जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है उनकी तरफ से जा रहा है। ऐसे में पार्टी का प्रचार प्रसार बांटते वक्त नहीं सोचा था, चीजों का प्रसार बांटते वक्त जरूरत महसूस नहीं हुई, ज्यादा जरूरी है लैपटॉप बांटते वक्त जरूरत नहीं महसूस हुई थी आपको? नहीं, सब चीजें चेंज होती है, यही चेंज इसी बदलाव पे तो सवाल है, इसी बदलाव पे तो सवाल है सर। क्या इतनी बदलाव की स्थिति आ गई, इतनी ज्यादा चेंज की स्थिति आ गई? आईपी सिंह देखिए, रोहित जी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस रास्ते पर श्री मुलायम सिंह यादव जी 89 के बाद बढ़े और चंद्रशेखर जी को छोड़कर उन्होंने अपना राजनीतिक रसूख बनाया, आज हमें ये समझ में आता है कि अखिलेश यादव उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं और अखिलेश जी का जो कुछ भी फैसला है ये तो समाजवादी पार्टी को विचार करना होगा। और एक बात और है कि जब सिल्वर जुबली उनका फंक्शन 25 साल समाजवादी पार्टी की स्थापना को हो रहे थे और जो फंक्शन होने वाला था, जो इस सरकार का सबसे भ्रष्टतम मंत्री है अगर उसको उसका प्रभारी बनाया जाए, योजना दी जाए, तो निश्चित तौर पर उकसाने वाली बात हो जाती है। अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति को अगर उसका नहीं बनाया जाता, ये परिवार एक साथ बैठता, राम गोपाल जी को बिल्कुल किनारे लगाने का काम किया है, राम गोपाल जी यात्रा करके लखनऊ तक पहुंचते हैं, दिल्ली से फिरोजाबाद आते हैं, इटावा आते हैं, इटावा से लखनऊ आते हैं, कभी वो नेताजी को पत्र लिखते हैं और बड़ा निठुर पत्र लिखा उन्होंने, कहा कि नेताजी फाइनल कमेंट ओझा साहब से, ओझा साहब बताइए अब क्या कांग्रेस भी कह रही है कि वो तो हो सकता है अलग दल की भी प्लानिंग चल रही है? नहीं देखिए, संभावनाएं राजनीति में कभी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्थितियां जहां तक सपा के लिए है, एक पत्रकार के रूप में जो मैं बता सकता हूं उसमें यही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अभी जैन साहब ने जो कहा कि आवश्यकता के हिसाब से चीजें बदलती रहती, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अब नेताजी की आवश्यकता नहीं है अखिलेश को, वही इसलिए उनकी फोटो की भी आवश्यकता। जल्दी से 10 सेकंड आपको, उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इसलिए इस देखिए रोहित जी, कहीं पर भी पार्टी में नेताजी हैं, पार्टी में सबसे शीर्षस्थ है नेताजी हम लोगों के मुखिया हैं, लेकिन नेताजी सरकार के अंग नहीं है, ये आप जान लीजिए। तो ऐसे में जो योजनाएं हैं, जो जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तो खैर मैं जान ही रहा हूं, लेकिन शायद इसको आपको भी समझना जरूरी है कि इतना आपको भी समझना जरूरी है। लैपटॉप योजना भी यही सवाल जुड़ सकता था, लैपटॉप योजना भी यही सवाल जुड़ सकता था। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज एक घंटे के लिए हम लोग इस शो को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि करवा चौथ को लेकर भी चलना है, तैयारियों की क्या स्थिति है वो भी हम जायजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। कृष्णकांत जी देर हो गए सर, इसी वजह से वक्त भी ज्यादा नहीं दे पाया। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।